तो लो यार, फाइनली उल्लू अपना रिलीज कर दी अपने नेक्स्ट सीरीज जिसका नाम है जबरन। तो भाई ये इसका पार्ट फर्स्ट रहने वाला है। अभी मैं फुल वेब सीरीज देख के आ रहा हूँ। वेब सीरीज की अगर हम बात करें तो इसमें आपको 4 एपिसोड देखने को मिलने वाले हैं। और एक्टर्स की अगर हम बात करें तो यार एक्ट्रेस का पता तो आपको चल ही चुका होगा। वही अगर हम सीरीज के कास्ट एक्टर्स की बात करें तो इसमें आपको माही खान साथ में डोना मुंशी देखने को मिलने वाली है। और स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा कमाल की रहने वाली है। मतलब यार वेब सीरीज देखने के बाद में एक बात बोलूँगा, उल्लू ऐप की ये काफ़ी यूनिक वेब सीरीज रहने वाली है जिसमें आपको काफ़ी ज़्यादा फैंटेसी या BDSM टाइप की वेब सीरीज देखने को मिलने वाली है। वही अगर हम बात करें स्टोरी लाइन की तो इसमें आपको एक कपल दिखाया जाता है जिनकी रिसेंटली मैरिड होती है। फाइनली इसके हस्बैंड की बात करें, इसकी ऐसी फैंटेसी होती है, ऐसी ख्वाहिशें होती है, ये अपनी वाइफ को फर्स्ट नाइट यार BDSM टाइप ट्राई करता है, या फिर आप बोल सकते हो वाइल्ड लव इसको काफी ज्यादा पसंद होता है। ये अपनी वाइफ के साथ में वाइल्ड लव ट्राई करता है। वहीं अगर हम इसकी वाइफ की बात करें तो यार उसको यह सब कुछ चीजें नहीं पसंद होती, वो एकदम सादा सिंपल गर्ल्स होती है। लेकिन कहानी में आपको काफी ज्यादा सस्पेंस और काफी ज्यादा ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है। मतलब यार इसमें आपको बीच में पीयूष शर्मा के सीन सस्पेंस भी देखने को मिलने वाले, माही खान के सीन सस्पेंस भी देखने को मिलने वाले हैं। और यहाँ पे अगर हम बात करें 4 एपिसोडों में काफी कमाल के सीन आपको देखने को मिलने वाले हैं। लेकिन इस वेब सीरीज की एंडिंग वाले पॉइंट की बात करें तो इसमें आपको जो दो गर्ल्स देखने को मिलती है, माया साथ में शालिनी नाम की जो गर्ल्स होती है, ये दोनों मिलके भाई अब क्या चाल चलती है आखिरकार इसके हस्बैंड के साथ में, वो इस वेब सीरीज में देखने को मिलने वाला है। तो भाई नेक्स्ट वीक इसका पार्ट 2 आने वाला है, तब जाकर और पता चलने वाला है कि इस वेब सीरीज में क्या खास चीज़ें देखने को मिलने वाली है। तो उम्मीद करता हूँ यार इस शॉर्ट वीडियो में इस वेब सीरीज की फुल डिटेल एक्सप्लेन कर चुका हूँ। वीडियो से लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, और अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना।